आज हम लैंडस्केप सीनरी बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले राइट टू लेफ्ट नीचे की ओर स्लैंट लाइन खींच लेंगे और अब ऊपर से नीचे की ओर दोबारा और लेफ्ट टू राइट लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ उसी लाइन के बराबर ही होगी। अब हम इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे और पॉइंट से नीचे की ओर इस लाइन के पैरेलल हम लाइन खींच के इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। के बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम नीचे की ओर ऐसे लाइन खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे और दूसरी लाइन हम यहाँ से खींच लेंगे। अब ये वाले पार्ट पर हम आएंगे और यहाँ से हम इस तरह से ये लाइन खींच लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम लेफ्ट की ओर इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे और यहाँ से इस लाइन को नीचे की ओर इस तरह मिला लेंगे। अब ये जो हमने लाइन अभी खींची है इसके यहाँ पर इस जगह से हम नीचे की ओर एक छोटी लाइन खींचेंगे जो कि इससे छोटी होगी इस लाइन के, और इस लाइन को इससे हम मिला लेंगे। इसी तरह हम आगे की ओर यहाँ से भी ये लाइन को इस तरह मिला लेते हैं, तो हाउस का जो आउटर स्ट्रक्चर है हमारा वो पूरा हो गया। अब ये इस वाले पार्ट पर इस लाइन के ऊपर हम डोर बनाएंगे, तो सेंटर पे इस जगह पर हम ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लाइन खींचते हैं, उसके बाद यहाँ से इस तरह और फिर नीचे की ओर इसी लाइन के पैरेलल हम इसको मिला लेंगे। अब हम यहाँ से आगे की ओर इस लाइन को ऊपर की दिशा में ले जाते हैं और फिर ऐसे आगे की ओर खींच लेते हैं। अब ये वाले पॉइंट से हम इस तरफ से ये लाइन खींचेंगे और इसके साथ साथ हम इस वाले पॉइंट से लाइन को हम इस तरह नीचे की ओर बढ़ा लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर इस जगह से भी हम एक लाइन खींचते हैं और इस दिशा में हम नीचे की ओर लेके चलेंगे और फिर इसको इस दिशा में ऐसे मूव कर लेंगे। अब ये इस वाले पॉइंट से एक लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे यहाँ तक और उसके बाद हम एक छोटी लाइन हम यहाँ से ऐसे आगे की ओर खींच के पीछे की ओर इस तरह हम इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं इस लाइन पर, तो यहाँ से हम यहाँ तक इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके इस लाइन को आगे की ओर यहाँ पर तक खींच लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पीछे की ओर इस तरह बढ़ा देंगे, लाइन को इस तरह खींचेंगे आगे की ओर इस तरह खींच। यहाँ से हम ऊपर की ओर एक छोटा सा सर्किल खींचेंगे आर्क और इस तरह से हम झाड़ियाँ बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह ये आगे की ओर हम इस तरह से ले जाएंगे इसको और यहाँ पर हम इसको यहाँ तक बना लेंगे। अब इसके बाद इस लाइन के ऊपर यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर इस जगह से सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे आगे की ओर और इसको हम पेपर के कॉर्नर तक हम ऐसे ले जाएंगे। अब इस लाइन के ऊपर भी हम इसी तरह से इस पॉइंट से इस तरह का शेप देंगे इस तरह से हम
यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से की शेप से हम पीछे की जो प्लांट्स हैं उसका शेप इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ से हमने वर्क किया है उससे हम ऊपर की ओर इस तरह से लाइन खींचेंगे जो कि हिल को पहाड़ों को हम प्रदर्शित करेंगे। इसे ऐसा शेप बनाएंगे नीचे की ओर और फिर इस लाइन के ऊपर इस जगह से हम फिर से एक लाइन खींचेंगे जो कि उस लाइन से छोटी होगी और उसके बाद हम इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अब हमें इस हाउस के ऊपर की ओर कॉर्नर की ओर हमें ट्री बनाना है यहाँ पर, तो हम ट्री बनाएंगे इस जगह पर। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइन खींचेंगे इस जगह से ऊपर की ओर यहाँ तक, फिर उसके बाद दूसरी लाइन हम यहाँ से खींच लेंगे ऊपर की ओर इस तरह से, और इसके बाद इस लाइन के ऊपर इस जगह से हम लाइन खींचेंगे छोटी होगी, और उसके बाद हम इस लाइन को ऊपर की ओर हल्का सा मोड़ लेंगे। अब इस वाले पार्ट से यहाँ से इस तरह से हम एक लाइन और खींचेंगे। अब हम ट्री के ऊपर वाले पार्ट पर ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, तो यहाँ से हम शेडिंग करेंगे। तो इस तरह से इधर की ओर पहले आउटर स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरह से, फिर उसके बाद यहाँ से हम इधर की ओर इस तरह से हम आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारा ये वाला पार्ट जो है अभी ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर बोट बनाएंगे, तो बोट के लिए हम यहाँ से पहले शुरू करेंगे, नीचे की ओर लाइन खींचेंगे और उसके बाद यहाँ से हल्का सा इसको टर्न करेंगे ऐसे पीछे की ओर, पीछे की ओर बेस बना लेंगे बोट का, और उसके बाद जो है इस दिशा में ऐसे खींचेंगे। उसके बाद यहीं से हम दूसरे पॉइंट से एक लाइन और खींचेंगे और इस लाइन को सीधी इसी लाइन के पैरेलल ले जाके हम पीछे की ओर इस तरह बनाएंगे। अब उसके बाद फिर एक तीसरी लाइन और खींच लेंगे इस लाइन के पैरेलल, और अब जो है इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से हम हल्का सा एक टर्न देंगे ऐसे, उसके बाद ऊपर से ये लाइन और इसको नीचे इसी तरह मिला लेंगे। तो हमारी जो बोर्ड की आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर से हम हल्का सा इस तरह से वर्क कर लेते हैं। अब हम शुरू करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग जो है सबसे पहले हम किस जगह से शुरू करेंगे वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले हाउस वाले पार्ट से शुरू करते हैं शेडिंग। तो इस समय मैंने चारकोल न्यूट्रल पेंसिल ले रखी है और शुरुआत जो है मैं इस पार्ट पे करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये लाइन से हम मैं यहाँ से शुरू करूँगा शेडिंग। तो इस तरह से मैं नीचे से ऊपर की ओर, मतलब इस लाइन के ऊपर जो है इस तरह शेडिंग करूँगा यहाँ से।
अब पूरे इस पार्ट पर नीचे तक शेडिंग कर दूंगा। बाद ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा मैं डार्क करूंगा और उसके बाद अब मैं हार्ड पेंसिल ले लूँगा और इसमें मैं लेता हूँ 2B पेंसिल या फिर 3B ले लेता हूँ। तो 3B में से मैं ये वाले एरिया पे शेडिंग करूँगा, ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, तो यहाँ से मैं शेडिंग शुरू करूँगा ऊपर की। तो इस लाइन से के ऊपर मतलब नीचे की ओर शुरू करूँगा शेडिंग और इस तरह से मैं शेडिंग करूँगा। तो ये पेंसिल का मूवमेंट मैं इसी तरह रखूँगा यहाँ पर। यहाँ पे भी मैं शेडिंग नीचे की ओर करूँगा इस तरह से। अब मैं इतने पार्ट को छोड़ूंगा और अब इस लाइन के ऊपर आ जाऊँगा और नीचे से ऊपर की ओर शेडिंग करूँगा। इस तरह से अब इसके बाद मैं जो ये डोर वाला पार्ट है इसको डार्क करूंगा। तो ऊपर से इस लाइन के नीचे की ओर से यहां से शेडिंग करूंगा इस तरह से नीचे की तरफ लाइट शेडिंग रखूंगा, लेकिन टॉप की तरफ मैं थोड़ा सा शेडिंग को डार्क रखूंगा, यानी पेंसिल का प्रेशर जो है मेरा ज़्यादा रहेगा इस जगह पर। इसके बाद मैं फिर से एक बार 3V पेंसिल लूँगा और उसके बाद इस वाली लाइन के नीचे की ओर यहाँ से इस लाइन के पैरेलल ऐसे शेडिंग करूँगा। इस तरह से अब जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा तो शेडिंग को मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ऊपर की ओर शेडिंग करूँगा हल्का सा इस जगह पर। तो लैंड वाले एरिया पे मैं यहाँ से शेडिंग करूँगा इस तरह से, इस लाइन के ऊपर से शेडिंग शुरू करूँगा ऊपर की ओर। तो ये पार्ट मेरा डार्क रहेगा और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो वैसे पेंसिल का प्रेशर जो है मैं वो बहुत लाइट कर दूंगा और शेडिंग का जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। इस तरह से अब इस लाइन के ऊपर इस डायरेक्शन में मैं शेडिंग करूँगा ऐसे। अब मैं चारकोल की न्यूट्रल पेंसिल ले लूँगा और उसको मैं यहाँ पर वर्क करूँगा उससे। और सबसे पहले मैं नीचे की ओर से ऊपर की ओर इस तरह मूव करूँगा इस लाइन के ऊपर और पेंसिल को इस तरह से मैं यहाँ पर मूव करूँगा। पेंसिल का प्रेशर थोड़ा सा कम कर दूंगा इस जगह पर और शेडिंग का जो मूवमेंट है वो मैं इसी तरह रखूंगा यहाँ पर। अब एक बार फिर से हम पेंसिल
पेंसिल चेंज करेंगे और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक बार फिर से हम पेंसिल को थोड़ा सा डार्क मूव करेंगे। तो ये टॉप का जो पार्ट है ये हम पेंसिल को यहाँ पर मूव करके थोड़ा सा इस एरिया को जो है थोड़ा सा डार्क बनाएंगे और नीचे की तरफ ये पार्ट जो है लाइट ही रहेगा। अब इस वाली वॉल के ऊपर हम एक विंडो बनाएंगे, तो विंडो के लिए जो है इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे इस जगह पर और ऐसा एक शेप बना लेंगे, रेक्टेंगल शेप, और 1, 2 इस तरह से दो लाइन खींच लेंगे। अब हम रखेंगे तो इस तरह से हम ये पार्ट को थोड़ा सा डार्क करेंगे और वॉल्स को थोड़ा सा हम रफ बनाएंगे। रफ होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर हम थोड़ा सा इस तरह का वर्क कर लेते हैं। अब इसके रूफ़ वाला जो पार्ट है बिल्कुल ही ब्लैंक है, ऐसा तो हम भी थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस तरह से लाइंस बनाएंगे। हम इस लाइन को क्लियर कर लेते हैं, इसके लिए भी हमने वही सेम पेंसिल यूज़ कर रखी है यहाँ पर, न्यूट्रल वाली चारकोल की, और इस तरह से हम पहले इस एरिया को कवर कर लेते हैं। ये इस लाइन के बगल में ये वाला पार्ट जो है जहाँ पर हम शेडिंग कर रहे हैं इसमें, ये थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे इस एरिया को, क्योंकि ये बैक पार्ट है तो बैक वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क रहेगा, तो हाईलाइट और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर हल्का सा एक इमेजिनरी ट्री की तरह बना देंगे या बुशेस की तरह बनाएंगे यहाँ पर इस जगह पर ऐसे, तो थोड़ा सा डार्क एरिया रहेगा। तो यहाँ पर हल्की हल्की छोटी छोटी सी लाइंस बना लेते हैं जो ट्री का कुछ पार्ट इस तरह का फीलिंग आए यहाँ पर इस तरह से, और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस वाले। इस तरह से अप्लाई करेंगे तो इस लाइन के राइट साइड की ओर हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग के लिए पेंसिल को इस तरह से मूव करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद जो है हम चारकोल पेंसिल की सॉफ्ट पेंसिल को यूज़ करेंगे, यानी डार्क पेंसिल लेंगे ब्लू स्ट्रिप वाली, और उसके बाद इस कॉर्नर से हम शेडिंग शुरू करेंगे। अब हम इस सीनरी का ये वाला जो पार्ट है राइट वाला इस जगह पे वर्क करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो पार्ट है इस लाइन के ऊपर इस तरह से शेडिंग करेंगे और शेप कुछ कुछ शेप बनाने की कोशिश करेंगे इस पेंसिल से यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ है न्यूट्रल पेंसिल से। अब हम जो है थोड़ा पेंसिल चेंज करेंगे और डार्क पेंसिल ले लेंगे और डार्क पेंसिल से सिर्फ नीचे वाले पार्ट को हम थोड़ा सा इस तरह
वह करेंगे। अब हम दोबारा फिर से पेंसिल ले लेंगे चारकोल और उसको न्यूट्रल और इस तरह यहाँ पर वर्क करेंगे। तो शेडिंग जो है ऐसे हम पेंसिल को राउंड राउंड हल्का सा मूव करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। शेडिंग शुरू करेंगे जगह से, तो इस तरह से हम यहाँ से पहले शेडिंग शुरू करते हैं। अब पेंसिल को इस वाले पार्ट पे ऊपर की ओर हम थोड़ा लाइट मूव करेंगे। इस तरह डार्क पेंसिल ले लेंगे और डार्क पेंसिल से एक बार फिर से शेडिंग करेंगे यहाँ पर इस जगह पे। तो इस तरह से पहले शेडिंग को इस पार्ट पर डार्क रखेंगे। अब इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम पेंसिल को काफ़ी अच्छी तरह से डार्क करेंगे इस तरह से। और पेंसिल को यहाँ तक ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम दूसरी लाइन खींच लेंगे और इसी तरह इस वाली लाइन को राइट की ओर ऊपर की ओर इस लाइन को ऊपर की तरफ यहाँ तक ले जाएंगे। इसको हमें डार्क करना है तो ये ऊपर की तरफ पेंसिल को थोड़ा सा डार्क रखेंगे इस तरह से। अब रिवर साइड के सेंटर वाले पार्ट को छोड़कर हम साइड साइड से इस तरह से लाइट शेडिंग करेंगे इस जगह पर। अब हमारा ये पार्ट तो हमने थोड़ा बहुत कर लिया हुआ यहाँ पर, अब हम इस तरह से यहाँ पे शेडिंग करेंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को जो ब्लैंक है हमारा, यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर से शेडिंग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3B पेंसिल का यूज़ किया है। Thank you.